रोज फास्ट चार्ज करने से बैटरी की लाइफ स्पैन 20-30% तक घट सकती है। हाई टेम्परेचर के कारण फोन का प्रोसेसर थर्मल थ्रॉटल करता है। फुल चार्ज छोड़ने से बैटरी की कैपेसिटी हर 3 महीने में 3-5% तक गिर सकती है। जानिए किस फोन में कौन सी बैटरी सेफ्टी सेटिंग होती है। हर 6 महीने में डुप्लीकेट चार्जर से बैटरी की हेल्थ 5-10% गिर सकती है। नमस्कार दर्शकों, किंगविनरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे ऐसी आसान और असरदार टिप्स जिनसे आपकी मोबाइल बैटरी लंबे समय तक फिट बनी रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बैटरी बचाने की पहली और बेहद आसान टिप से। मोबाइल को 0% तक डिस्चार्ज न करें। 0% तक डिस्चार्ज करने से बैटरी पर गहरा लोड पड़ता है। हमेशा 20% पर चार्ज पर लगाएं और बैटरी लेवल को हमेशा 20% से 90% के बीच रखें। हर लिथियम आयन बैटरी की लाइफ लगभग 300 से 1000 चार्जिंग साइकल्स तक होती है। उसके बाद बैटरी की क्षमता घटने लगती है। एक चार्जिंग साइकिल का अर्थ है बैटरी को 0% से 100% तक एक बार चार्ज करना। आपने एक दिन बैटरी को 0% से 100% चार्ज किया तो एक फुल साइकिल हुआ, या आपने एक दिन 30% और दूसरे दिन 70% चार्ज किया तो भी कुल एक फुल साइकिल हुआ। जब हर बार आप 0 से 100% तक चार्ज करते हैं तो वो साइकिल तेजी से कंज्यूम होती है। पार्शियल चार्जिंग अर्थात 20% से 90% तक करते हैं तो साइकिल धीरे धीरे यूज होती है, मतलब ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ। इसलिए अगर आपको लगता है कि बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो पहले खुद से पूछिए क्या आप इसे किल तो नहीं कर रहे। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो ज्यादातर लोग अनजाने में हर दिन करते हैं। फास्ट चार्जिंग सिर्फ जरूरत पड़ने पर करें, आदत न बनाएं, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से बैटरी बहुत जल्दी गर्म होती है। रोज रोज फास्ट चार्ज करने से बैटरी की लाइफ स्पैन 20-30% तक घट सकती है। हाई वॉट चार्जर्स जो 33 वॉट या उससे ज्यादा वॉट के होते हैं वो ज्यादा करंट देते हैं। इससे बैटरी जल्दी फुल तो होती है पर सेल डिग्रेडेशन तेज हो जाता है। हीट बिल्डअप के कारण अंदरूनी केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ता है। फास्ट चार्जर को ऑल्टरनेट डेज अर्थात एक दिन छोड़कर उपयोग करें। बाकी दिन नॉर्मल 10 वॉट से 18 वॉट चार्जर से स्लो चार्ज करें। तीसरा जरूरी पॉइंट, हीट से बचाएं। ये बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। चार्जिंग के समय गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या हैवी यूज न करें। ज्यादा गर्मी वाले माहौल अर्थात 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में फोन न रखें। हाई टेम्परेचर के कारण फोन का प्रोसेसर थर्मल थ्रॉटल करता है। अर्थात जब आपके फोन का प्रोसेसर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म होता है तो प्रोसेसर अपनी स्पीड परफॉर्मेंस को कम कर देता है ताकि टेम्परेचर और ज्यादा न बढ़े। इसे ही थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। हीट से बैटरी स्वेलिंग, फोन लैग भी हो सकता है। एक और अहम बात, चार्जिंग में लगाकर सो जाना अवॉइड करें। भले ही नए फोन में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन होता है पर बैटरी 100% होने के बाद भी फोन ट्रिकल चार्जिंग करता है, मतलब जब बैटरी 100% हो जाती है उसके बाद भी फोन खुद को 99% से 100% के बीच बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा चार्ज लेता रहता है, यानी करंट धीरे धीरे सप्लाई होता रहता है जिससे हीट और सेल स्ट्रेस होता है। यही रिपीटेड माइक्रो चार्जिंग बैटरी डिग्रेड करती है। इससे बैटरी हेल्थ हर दिन धीरे धीरे गिरती है बिना पता चले। रिसर्च कहती है हर रात फुल चार्ज छोड़ने से बैटरी की कैपेसिटी हर 3 महीने में 3-5% तक गिर सकती है। पांचवा जरूरी सुझाव, स्मार्ट चार्जिंग सेटिंग ऑन करें। 2020 के बाद से मोबाइल कंपनियों द्वारा बैटरी हेल्थ बचाने के लिए दी गई एक बेहतरीन सुविधा है। ये फीचर आपके फोन के यूज पैटर्न को सीखता है, जैसे कब आप फोन अनप्लग करते हैं, और चार्जिंग को उसी हिसाब से धीरे करता है ताकि बैटरी अननेसेसरी टाइम तक 100% पर ना रहे। इससे हीट और डिग्रेडेशन दोनों से बचाव होता है। अगर अब तक की जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला भाग आप मिस न करें। अब एक ब्रांड वाइज टिप, जानिए किस फोन में कौन सी बैटरी सेफ्टी सेटिंग होती है। आईफोन iOS में ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, सैमसंग में प्रोटेक्ट बैटरी, OnePlus में ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग या स्मार्ट चार्जिंग, सोनी एक्सपीरिया में बैटरी केयर, गूगल पिक्सल में अडैप्टिव चार्जिंग, आसूस आरओजी या जेनफोन में स्केड्यूल चार्जिंग, रियलमी और ओप्पो में ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग, वीवो में AI चार्जिंग या स्मार्ट चार्जिंग, सियाओमी रेडमी पोको में बैटरी प्रोटेक्शन, मोटोरोला के कुछ मॉडल्स में स्मार्ट चार्जिंग, इन्फिनिक्स टेक्नो आइटल के कुछ मॉडल्स में AI स्मार्ट चार्ज। आजकल फोन भी समझदार हो गए हैं, बस आपको उसे समझदारी से सेट करना है। यह बैटरी को ज्यादा गर्म नहीं होने देता, 100% पर घंटों तक चार्जिंग रोक कर रखता है। आपकी यूजिंग हैबिट सीख कर स्मार्ट तरीके से चार्ज करता है। बैटरी हेल्थ लंबे समय तक 90% से ज्यादा बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं सातवीं टिप की
ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करें। क्या खतरा है लोकल या डुप्लीकेट चार्जर से? अनस्टेबल वोल्टेज, बैटरी ओवरहीट या शॉर्ट सर्किट, रिस्क ऑफ फायर, एक्सप्लोजन या फोन ब्लास्ट। लोकल चार्जर बैटरी हेल्थ को धीरे धीरे खत्म करता है। ज्यादातर लोकल चार्जर में कोई थर्मल या सर्ज प्रोटेक्शन नहीं होता। ओरिजिनल या बिल्ड सर्टिफाइड चार्जर उपयोग करें। हर 6 महीने में डुप्लीकेट चार्जर से बैटरी की हेल्थ 5-10% गिर सकती है और इंटरनल स्वेलिंग का खतरा भी बढ़ता है। तो ये थी मोबाइल बैटरी को हेल्दी रखने वाली कुछ सबसे जरूरी टिप्स, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बाकी पावरफुल टिप्स के लिए जरूर देखिए अगला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको ऐसी ही स्मार्ट और काम की जानकारियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।